उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और यूपीटा और जालौन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक जुलाई माह में पीएम मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुभारंभ को लेकर की गई। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लगभग 97% काम पूरा हो गया है। बहुत तेजी से हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। हमारे 6 पैकेजेस में 4 पैकेज कंप्लीट हैं और पैकेज 6 में थोड़ा सा काम 8 से 10 दिन का बाकी है। हमारी कोशिश है कि 5 जुलाई तक पूरा काम हो जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 29 फरवरी 2020 को किया था। लगभग 28 महीने में ही, यानी समय से लगभग जो है 8 महीने पहले इस काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं। कोविड के 2 वेव के बावजूद भी ये काम पहले पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार झांसी गए थे तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। उनका विजन था कि बुंदेलखंड के लिए हम एक बड़ा एक्सप्रेसवे दें, तो ये चित्रकूट से लेकर बांदा महोबा के उत्तर, हमीरपुर के दक्षिण होते हुए यहाँ औरई जालौन होते हुए औरैया इटावा तक जाता है। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से अब दिल्ली जो है 6 से 7 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, और इसके बगल में भी झांसी में गरौठा में डिफेंस कॉरिडोर की भाई जो है व्यवस्था की गई है। तो ये औद्योगिक कार्यों के लिए, टूरिज्म के लिए और क्षेत्र में मूवमेंट के लिए बहुत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।